हेलो फ्रेंड्स, आज वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 8086 सीपीयू आर्किटेक्चर क्या होता है। अब 8086 सीपीयू आर्किटेक्चर सुनते ही आपके सामने कुछ इस तरह की डायग्राम आ गई होगी, और आपने मतलब यूट्यूब में इतना ढूंढा होगा तो आपको सब ने यही बताया होगा यानी कि सीपीयू आर्किटेक्चर होता क्या है। तो सही बात है, मतलब यही मतलब सीपीयू आर्किटेक्चर को मतलब यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम में। लेकिन मैं आपको मतलब सिंपल में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये तो सब ने बताया, एक्सप्लेन किया ये डायग्राम, तो मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है एक बार बता देता हूँ। डेफिनेशन तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्राम आता है ना, उसका एग्जीक्यूट करने का काम माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है। मतलब कोई भी टास्क माइक्रो प्रोसेसर पर ही परफॉर्म होता है, तो यही डेफिनेशन है। और ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आप साइंटिफिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। आगे हम देखने वाले 8086 आर्किटेक्चर, तो आप देख सकते हो कि कुछ पॉइंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, 8086 इज़ अ 14 पिन IC, मतलब तो इस चिप में 40 मेटल के पिन होती है जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कनेक्ट करने में यूज़ होती है, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा है, इट इज़ ए 16-बिट प्रोसेसर। 8086 जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है 16 बिट एट ए टाइम यूज़ करके। और तीसरे पॉइंट में बताया गया है, इट इज़ ऑपरेटिंग वोल्टेज इज़ 5 वोल्ट, मतलब 8086 चिप को काम करने के लिए 5 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए होता है। चौथे में बताया गया है, इट इज़ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इज़ 5 MHz। 8086 चिप 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकती है। और पांचवी वाले में बताया गया है, टोटल मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी इज़ 1 MB, मतलब इसकी मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी वो 1 MB तक है, मतलब 1 MB होती है। तो आगे, इट हैज़ 16-बिट डाटा बस एंड 16-बिट एड्रेस बस, जो कि मैंने आपको बताया था कि 8086 16-बिट डाटा एंड 20-बिट एड्रेस बस को सपोर्ट करता है। तो सातवें पॉइंट बताया दिखा रहा है कि हमें, इट हैज़ 14 16-बिट रजिस्टर, यानी कि यहाँ पर रजिस्टर का मतलब है लोकेशन। इट्स मीन्स दैट कि 8086 में 14 मेमोरी लोकेशन है जिसे हम डाटा को टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं। आठवें पॉइंट में बताया गया है, हायर थ्रूपुट स्पीड, मतलब 8086 को डिज़ाइन ही किया गया है टास्क को क्विक परफॉर्म करने के लिए। नवे में बताया गया है हमें, इट हैज़ अराउंड 20,000 ट्रांजिस्टर इन इट सर्किट्री एंड इट्स मेड इन HMOS टेक्नोलॉजी। स्क्रीन पर आप जो डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं ना, वो IC8086 की है। इसमें आप देख सकते हो कि दो फंक्शनल यूनिट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट BIU एंड सेकंड EU है। सबसे पहले हम EU के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि द EU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड वाले पॉइंट में हम देख सकते हैं कि इट कंटेन्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डाटा। मतलब EU जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को कंटेन करता है, जिसका यूज़ करके वो डाटा पर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में, द EU ऑल्सो इंक्लूड द जनरल पर्पज रजिस्टर विच आर यूज टू होल्ड डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट में GPR यानी कि जनरल प्रोसेसिंग रजिस्टर इंक्लूड होता है, और इसका यूज़ करके हम एग्जीक्यूशन यूनिट प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को होल्ड कर सकते हैं। चौथे पॉइंट है, द EU हैज़ द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यानी IP विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूशन यूनिट में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है जो कि एड्रेस को होल्ड करता है जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। पाँचवें पॉइंट में, द EU परफॉर्म द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि EU एक्चुअल में डाटा को प्रोसेस करता है एंड कैलकुलेशन करके रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यही मतलब कुछ एग्जीक्यूशन यूनिट के 5 पॉइंट थे। दूसरा फंक्शनल यूनिट होता है बस इंटरफेस यूनिट, यानी कि BIU। फर्स्ट पॉइंट है BIU का, द BIU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेसिंग द माइक्रो प्रोसेसर विद द सिस्टम बस। सेकेंड पॉइंट है, इट कंटेन्स द सेगमेंट रजिस्टर यानी कि SR विच होल्ड द सेगमेंट एड्रेस, मतलब SR का यूज़ करके हम सेगमेंट एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं। द BIU हैज़ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर विच होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डाटा टू द एक्सेस। चौथा पॉइंट है, द BIU ऑल्सो इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन क्यू एंड स्टोर अप टू 6 इंस्ट्रक्शन बाइट, मतलब
IQ का यूज़ करके हम 16 इंस्ट्रक्शन बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं। द प्रीफेच क्यू यानी कि PQ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द BIU एंड स्टोर अप द 4 बाइट्स ऑफ डाटा दैट हैव बीन प्रीफेच फ्रॉम द मेमरी। मतलब PQ जो है वो BIU का पार्ट है और वो 4 बिट्स तक मतलब डाटा को स्टोर कर सकता है। द BIU फेचेज द इंस्ट्रक्शन बाइट फ्रॉम मेमरी एंड प्लेसेस देम इन IQ। सातवा पॉइंट है इट्स ऑल्सो कैलकुलेट द मेमरी एड्रेस ऑफ द डाटा एक्सेस एंड प्लेसेस इन द MAR। यानी कि मतलब वो मेमरी एड्रेस को कैलकुलेट और डाटा एड्रेस को एक्सेस करके प्लेस करता है MAR में। MAR यानी कि मेमरी एड्रेस रजिस्टर। आठवा पॉइंट है द BIU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमरी। मतलब BIU का हम मतलब BIU इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब माइक्रोप्रोसेसर मेमरी में जो डाटा का ट्रांसफरिंग होता है ना वो BIU के द्वारा ही होता है। मतलब BIU उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब बस इंटरफेस यूनिट का ये फंक्शनल यूनिट है। ये 8 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो। आई होप मैंने आपको जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।